200 and 200 और वो भी इंग्लिश में, इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? भाई आप लोगों का कंसर्न रहता है कि हम तो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, सो हम इंग्लिश में कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं? दूसरा कंसर्न, भाई हमारा वोकैबलरी तो हमें समझ ही नहीं आता और वोकैबलरी याद ही नहीं होता। तीसरा कंसर्न, एनडीए में इंग्लिश समझ ही नहीं आती। तो ये जितने भी आपके कंसर्न्स हैं, ये कॉमन कंसर्न है जो हर एक बच्चे का होता है, इररिस्पेक्टिव वो आपका हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनकी ग्रामर अच्छा होता है, जिसकी हेल्प से वो अपनी इंग्लिश में स्कोर अप कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है, जिसके हेल्प से वो लोग अपने इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड बढ़ सकता है, क्योंकि आपको ए से शुरुआत नहीं करनी है, आप ऑलरेडी उस लाइन में ए से आगे बढ़ चुके हैं। ये है आपका बेस्ट पार्ट। आपकी शुरुआत जीरो से नहीं है बच्चों, यू नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हो। भाई इसकी हिंदी तो बना लोगे, मैं जाता हूं कि जब इंग्लिश बना लोगे तो मतलब आपकी शुरुआत जीरो नहीं है, यू आर ऑलरेडी ऑन 1, 2 और 3 नंबर ऑन स्केल। तो ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है जिसको आपको अब यहां से कैरी फॉरवर्ड करना है, और जो आपको बताएगा कि क्या सच में आप इंग्लिश में 200 on 200 तो स्कोर कर ही लोगे और बिल्कुल आराम से। तो आज का ये डेडिकेटेड वीडियो उन्हीं एनडीए स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट या ये अटेम्प्ट्स कॉन्सिक्वेंटिव होने वाला है, बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश आपका कोई भी अटेम्प्ट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज, और ये आपको सिर्फ रिटन तक ही नहीं बल्कि एसएसबी तक लेके जाने वाली है। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला रामबाण उपाय, जो है आपकी रीडिंग। अब ये रीडिंग एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपको पूरी इंग्लिश में हेल्प करने वाली है। अब मैम रीडिंग क्या करना है ये बात तो हमें समझ ही नहीं आती, तो बच्चों देखो उन लोगों से बचो जो आपको कहते हैं कि नॉन फिक्शन बुक्स ना पढ़ें, न्यूज़पेपर्स ही सिर्फ पढ़ें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन यूज़ योर एंटरटेनमेंट, और आपको अपना एंटरटेनमेंट वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। जो आपको इंटरेस्ट दे आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, जो सामने वाले को इंटरेस्ट दे आपको उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एक दो दिन बाद आप बंद करने वाले हैं। कौन पढ़ेगा रस्किन बॉन्ड की बुक्स होते समय? जिसको इंटरेस्ट होगा सिर्फ वही पढ़ेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा इट विल बी अ वेरी बिग लिथार्जी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसके लिए अपने एंटरटेनमेंट को वाइजली चूज करो। टीवी सीरियल्स जैसे शार्क टैंक देखो, इंग्लिश में देख सकते हैं। मूवीज, इंग्लिश मूवीज वॉच कर सकते हैं। इट कैन बी अ कॉमेडी मूवी, इट कैन बी एन एक्शन मूवी, इट कैन बी एनीथिंग दैट एंटरटेन्स यू। इट इज पर्टिकुलरली योर एंटरटेनमेंट। आपको ये बात समझनी है, इट हैज टू अपीज यू, ये आपको खुश रखना चाहिए। वो चीज आप देखें बट इंग्लिश में। न्यूज़पेपर, जिन बच्चों को इंटरेस्ट आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, दे कैन गो विद न्यूज़पेपर्स आल्सो। उसके अलावा बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं फिक्शन नॉन फिक्शन, पढ़ सकते हैं। आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स ये होते हैं, बच्चों को सिर्फ उनमें भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, गो एंड रीड देम। सुधा मूर्ति आर्टिकल्स, शशि थरूर आर्टिकल्स, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, गो एंड रीड देम। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो रीडिंग करने के लिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, और मिनिमम 20 मिनट्स मैक्सिमम आप अपना एरिया कवर कर सकते हो। मिनिमम 20 मिनट्स की इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, और हमेशा याद रखो द रोड टू सक्सेस नेवर सीम्स ईजी बट आफ्टर सक्सेस रोड बिकम्स ईजी। भले ही आप जितनी मेहनत कर रहे हो आज वो आसान ना लगे, पर जब आप अपने सक्सेस तक पहुंच जाओगे वो रास्ता ऑटोमेटिकली आसान दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए रास्ते को और आसान बनाते हैं बच्चों। टॉकिंग अबाउट कैसे हम स्कोर करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट करो ईजली स्कोर्ड टॉपिक्स। जब हम बात करते हैं एनडीए की, उसमें आपके सबसे पहला क्या होता है, एरर्स, उसके अलावा सिनोनिम्स, देन यू हैव एंटोनिम्स, उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, और पीक्यूआरएस कॉम्प्रिहेंशन। इन बार एक नया आपको देखने को मिला था, कॉम्प्रिहेंशन और उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको नए मिले थे, जो कि नए नहीं थे, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका था, बट स्टिल कुछ बच्चों के लिए वो एक एडिशन था। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन ये प्योरली रीडिंग बेस्ड ही है, तो अगर आप अपनी रीडिंग पे कमांड कर लेते हैं तो ये टारगेट ऑलरेडी हो जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। पीक्यूआरएस कॉम्प्रिहेंशन आपसे प्रैक्टिस नहीं हो रहा, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर ले, एमकेसी एनडीए चैनल है यूट्यूब का, उसमें ऑलरेडी क्लासेस इंग्लिश की चलती है, उसको ज्वाइन कर लें। एमकेसी लर्निंग ऐप में डेली क्लासेस लेते हैं,
उसको ज्वाइन कर ले, इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती चली जाएगी। तो आपको PQRS और कॉम्प्रीहेंशन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड इट हैज टू बी पर डे, इट हैज टू बी पर डे, प्रतिदिन इसको करना है। ये एक मोनोटोनस थीम नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपसे नहीं हो रहा, कम टू अस विशाल मेक यू डू, हम आपसे करवाएंगे, है ना। तो चलिए, अब ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इसको करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और इसके लिए आपको समझना होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स डिमांड करता है एक ग्रामर और एक रीडिंग पार्ट को, और उसको ज्वाइन करके ही आप ये PQRS को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें 80% आपकी आती है रीडिंग। तो आज से ही रीडिंग शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली PQRS में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसको एक चैलेंज की तरह लो बच्चों, चैलेंजेस से डरिए मत, एक चैलेंज की तरह PQRS और कॉम्प्रीहेंशन को लीजिए, एंड देन यू सी कि आप उस चैलेंज को फेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपको एक भाषा की तरह ट्रीट करना है, आपको उन फ्रेजेस को यूज करना आज से ही शुरू कर देना होगा जो आप प्रतिदिन हिंदी में बोलते हो। मैं उठूंगा, अभी हम यहाँ जाते हैं, आई शैल गो हियर, ये छोटे छोटे फ्रेजेस को आप एक लैंग्वेज में ट्रीट करना शुरू कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दीजिए। मतलब आप इंग्लिश नहीं, आप हिंग्लिश का प्रयोग करिए। आज का मौसम वेरी फाइन है, तो ये वेरी फाइन से आपने शुरुआत तो करी। आज मैं आउट जाऊंगा, तो आपने ये छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत तो करी। तो अब आज मेरे को टुडे मैं बाहर जाऊंगा, ये छोटे छोटे शब्दों से इस्तेमाल शुरू करिए। तो अपने फ्रेजेस को इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए, अपनी भाषा, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी मदर टंग है, यूज दैट इन लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, और छोटे छोटे फ्रेजेस से। कभी भी आपने सेंटेंसेस बनाने से शुरुआत नहीं करी थी, आपने ABCD से शुरुआत करी थी, वही शुरुआत आपको यहाँ करनी पड़ेगी। और जब ये लैंग्वेज की तरह ट्रीट होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस भाषा में, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपका स्कोर कार्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इंग्लिश में। नेक्स्ट, वोकैबुलरी। अब भाई वोकैबुलरी का तो अलग ही रोना है कि ये लर्न ही नहीं होती, अब आपको इसको रटना नहीं है। इसके सबसे पहले जो हमेशा से आपको चीजें बताते हैं, दैट इज योर लेक्सिकन, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं 5 to 10 words, और अगर ये भी नहीं होता तो टॉक टू अस, मीट अस इन MKC NDA YouTube चैनल, YouTube चैनल पे हमसे मिलिए और देखिए कि वोकैबुलरी को रटा नहीं सीखा कैसे जा सकता है। उसके अलावा MKC लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप में क्लासेस डेली चलती हैं, वहाँ पे देखो कि कैसे वोकैबुलरी को हम लोग सीखते हैं। और द बेस्ट ऑफलाइन, ऑफलाइन मोड तो बेस्ट है ही है, आइए और देखिए कैसे हम लोग लेक्सिकन क्लास में डिस्कस करते हैं, कैसे वोकैबुलरी के साथ डील करते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि वोकैबुलरी रटी जा सकती है, तो आई शैल गिव यू अ वर्ड। अब देखिए, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, स्पैस्मोडिक। अब हो सकता है आपको इस वर्ड का मतलब ना पता हो, बट अगर हम आपको रिलेशन मेथड दिखाएंगे, इन दैट केस आप इसको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठा पाओगे। अब देखो, यहां पे एक वर्ड है स्पा। अब आपने बोला, भाई देखो स्पा, स्पा तो हम कभी कभार लेते हैं ना, जब हम बड़े रेस्टोरेंट या फिर बिल्कुल अपने वेकेशंस पे जाते हैं तभी हम स्पा लेते हैं। तो अब स्पा कब लेते हैं, कभी कभार। तो स्पैस्मोडिक का मतलब क्या हो गया, कभी कभार, जिसको आप कह सकते हो स्पोरैडिक। क्या कह सकते हो, स्पोरैडिक, और क्या कह सकते हैं, इररेगुलर। Now this is the way that you can relate these words, क्योंकि जो पुराना शब्द है वो आपके दिमाग में है, spa, ये आपके दिमाग में है, इसी relation से आपने एक नए शब्द को क्या दे दी, पहचान दे दी, है ना। और इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। देखो दो तरीके होते हैं, पहला रूट वर्ड, दूसरा निमोनिक्स, जिसमें से जो निमोनिक्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि इससे आप स्पॉन्टेनियस रिलेशंस भी बना लेते हैं और ये आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। और इसको उसके बाद रिविजन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करते हैं तो फिर ये जो लॉन्ग लास्टिंग शब्द है ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही और शब्दों का रिलेशन बनाया जा सकता है अगर हम कॉन्स्टेंटली वोकैबुलरी करते हैं। एंड इफ़ यू ज्वाइन मी, आई शैल हेल्प यू मेकिंग दीज वर्ड्स मोर ईजियर, क्योंकि भाई अगर आप इसको ईजी बनाना चाहते हैं तो निमोनिक से बेहतर बिल्कुल कोई शब्द नहीं होने वाला। उसके अलावा ग्रामर। अब ग्रामर में मैम स्कोर कैसे करें,
ग्रामर के बेसिस पे दो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस रेज होते हैं, दैट इज योर एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों याद रखो कि अब आपको रूल्स पे फोकस नहीं करना है, अब आपको कॉन्वर्सेशनल बेस्ड एरर्स पे फोकस करना है, क्योंकि अब का जमाना थोड़ा सा बदल चुका है. एग्जामिनर इस बात को समझता है कि आप रूल्स रट लेते हैं और उसके बेसिस पे आप एरर्स करते हैं. तो नाउ ही इज नॉट फोकसिंग ऑन रूल्स, नाउ ही इज फोकसिंग ऑन योर कॉन्वर्सेशनल बेस्ड एरर्स. तो अगर आप अपनी रीडिंग, अगर आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं, तो आप इस ग्रामर को भी हिट कर लोगे, जो कि एक बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है. इट इज नॉट अ टीडियस जॉब, और वैसे भी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ये सारी चीजें स्पैस्मोडिक ही होंगी, बिल्कुल तुरंत कुछ नहीं होने वाला. इट विल टेक टाइम, बट अगर आप श्योरिटी से तीन रामबाण उपाय फॉलो कर रहे हैं, और वो तीन रामबाण उपाय क्या हो जाते हैं, सबसे पहले रीडिंग, सेकेंड रिविजन, और थर्ड रेगुलर क्लासेस. अगर आप ये तीन रामबाण उपाय हमारे यूज करते हैं, आई गारंटी कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता. और इसी को एग्जाम्पल दिखाते हुए, आई हैव हियर अ सेंटेंस फॉर यू ऑल, जो कि एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है. इफ द इकोनॉमी फेल दिस ईयर, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट. बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अब इसमें एरर क्या है. अब इस एरर को बताने के लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो इसी बात पे होगा कि कैसे एग्जाम में एरर्स बनते हैं, और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ एरर अगर आपको जानना है, और अगर आपको पढ़ना है 100 गोल्डन रूल्स ऑफ एरर, और जिसकी बेसिस पे आप सारे एरर्स को सॉल्व कर सकते हो, बीट एनी एग्जाम, उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. येस वी वॉन्ट दैट वीडियो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है. यू हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. बच्चों चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फ्री टाइम में बैठो और अटेम्प्ट करो क्विज. क्विजेस अटेम्प्ट किया करें. क्विज कैसे? वोकैबुलरी से रिलेटेड क्विज, एरर से रिलेटेड क्विज, मॉक टेस्ट लगाओ, लाइव टेस्ट दो. जब तक आप ये सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अंटिल देन यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ. क्योंकि जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, देन यू आर रेडी टू फेस वॉट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. और उसके लिए ही आपको बनना पड़ेगा, एक महारत हासिल करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेहनत चाहिए. और मेहनत करने के लिए अगर आप सब तैयार हैं, देन आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. तो आई एम श्योर कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, जितना आपको यहां तक बताया गया, दैट विल हेल्प यू गेन 200 ऑन 200 इन योर इंग्लिश एग्जाम, एंड दैट इज फॉर श्योर, आई गारंटी. थैंक यू. जय हिंद.